उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए स्कूल की डिजिटल पंजिका में उपस्थिति दर्ज करानी आज से अनिवार्य हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। सोमवार को यूपी के कई शिक्षकों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और आदेश को सरकार का तुगलकी फरमान बताया। सोमवार को यूपी के कई शिक्षकों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्राथमिक शिक्षक संघ ने 9 जुलाई को ब्लॉक स्तर पर बैठक बुलाई है। शिक्षकों का कहना है कि 11-12 जुलाई को वे हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और 15 जुलाई को सरकार को अपने फैसले से अवगत कराएंगे। आजमगढ़ में प्रदर्शन कर रहे एक शिक्षक ने डायनामाइट न्यूज़ से बातचीत में कहा कि ये आदेश अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि कभी बस खराब होती है तो कभी बारिश, जिस कारण शिक्षक कई बार लेट हो जाते हैं। हम लोगों का विरोध ऑनलाइन अटेंडेंस से बिल्कुल नहीं है, हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार सबसे पहले शिक्षकों के बारे में सोचे। शिक्षक 50 से 60 किलोमीटर दूर अपना विद्यालय में ही हूँ, मेरा घर आजमगढ़ शहर में है, मैं देवगांव आता हूँ, 52 किलोमीटर की दूरी है, हमको बस से आना है, बस कभी रास्ते में खराब हो गई, कभी बरसात का सीजन है, कभी कुछ है, कोई परेशानी है, सबके साथ है, कीचड़ का रास्ता है, बरसात का दिन है, और पहले सरकार इसकी व्यवस्था करे ना। सरकार पहले ये कहे कि हाँ इन स्कूल के टीचर को मैं 15 किलोमीटर के दायरे में रखूँगा, जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण के शिक्षक हैं उनको उनके ज़िले में वो भेजें, ताकि तब वो अटेंडेंस ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू करें ना। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी नीतियाँ गलत हैं, उनकी नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं, ये सब कर दें, शिक्षक तैयार है। आजमगढ़ की ही एक शिक्षिका ने डायनामाइट न्यूज़ से बातचीत में कहा कि हम विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी समस्याओं का भी समाधान करे। सरकार हम लोग को चाह रही है कि हम लोग को जो उपस्थिति दें, हम लोग तैयार हैं, लेकिन सरकार हम लोग की समस्याओं का समाधान भी तो करे। हम लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, मुझे बनारस से आने में 65-70 किलोमीटर लग जाता है, बस से आना होता है, बस कभी भी खराब हो सकता है, बस मेरी संपत्ति तो है नहीं, तो वो कभी भी खराब होता है, थोड़ा विलम्ब हो सकता है। ना सरकार हम लोग को राज्य करने का दर्जा दे रहा है, ना ईएल दे रहा है, ना सीएल दे रहा है, ना हमारी समस्याओं का निस्तारण कर रहा है, यहाँ तक कि वो हमें हमारे गृह जनपद से भेजने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बताइए क्या ये संभव है कि रोज एक ही समय पर हम पहुँच पाए? कभी कुछ भी हो सकता है, रास्ते में हमारे घर के सदस्यों के साथ भी कुछ हो सकता है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि महिला होने के नाते दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए हम लोग ये अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं और पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ, जो उनकी नीतियाँ हैं उसको लचीला बनाइए, हम लोग तैयार हैं, पर हम लोग की समस्या। यह आदेश पहले 15 जुलाई से लागू होना था, लेकिन राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 15 जुलाई के स्थान पर 8 जुलाई से ही स्कूल की डिजिटल पंजिका में उपस्थिति दर्ज करानी अनिवार्य कर दी गई है। विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों की परेशानियों को समझते हुए निर्धारित समय से 30 मिनट देर तक हाजिरी बनाने की सुविधा भी दी है, लेकिन शिक्षक इस आदेश से सहमत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, लखनऊ।